मिश्रा, आज हम इस सेगमेंट में सीखेंगे एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में। एंटीलॉग कैलकुलेट करने से पहले आपको लॉग कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जिन लोगों को लॉग कैलकुलेट करने में कोई डाउट है वो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा था उसे चेक करिए। लॉग टेबल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, उसे सीखिए और उसके बाद आपको एंटीलॉग टेबल प्रैक्टिस करना है। सजेशन मेरा आपको यह है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और सीख रहे हो तो आप एंट्री लॉग टेबल को ओपन करके रखिएगा अपने सामने, ताकि चीजें क्लियर होती रहे और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहे। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें एंट्री लॉग की जरूरत पड़ती कब। हमें एंट्री लॉग की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास न्यूमेरिकल में एक्सप्रेशन इस तरह का कुछ आएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है लॉग एक्स इज इक्वल टू, कोई नंबर है यहां पर हमारे पास, कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर है और हमें कैलकुलेट करनी है एक्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉग को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा और जब लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो इट विल बिकम एंटी लॉग। अगर एक नंबर इस फॉर्म में है और आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है उसका एंटी लॉग के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एंटीलॉग टेबल की समझ होनी चाहिए। बहुत सिंपल बेसिक फंडामेंटल चीज है, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं आप साथ साथ प्रैक्टिस करो। अभी विद इन 5 मिनट्स आप एंटीलॉग कैलकुलेट करना, आंसर निकालना सीख लेंगे। आपको क्या करना है, एंटीलॉग कैलकुलेट करने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट को मार्क कर लीजिए। डेसिमल के बाद की 2 डिजिट्स, डेसिमल से पहले वाले नंबर से फिलहाल हमें मतलब नहीं है, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आप डेसिमल के बाद की 2 डिजिट्स को मार्क कर लीजिए। तो यहां पर डेसिमल के बाद की 2 डिजिट्स हैं 0.26। 0.26 आपको मिलेगा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। आप एंटीलॉग टेबल जो ओपन कर रखा है आपने उसमें आप चेक करिए, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में 0.00 से लेकर 0.99 तक नंबर है, 0.00 से लेकर 0.99 तक, तो उसके बीच में कहीं पर आपको 0.26 नजर आ जाएगा। यह 0.26 की वैल्यू आगे वाले नंबर पर यानी 5 पर, जो भी आगे वाला नंबर होगा यानी थर्ड प्लेस डेसिमल के बाद, उस पर चेक करेंगे फर्स्ट टेबल। तो 0.26 की वैल्यू 5 पर चेक करनी है फर्स्ट टेबल में, 0.26 की वैल्यू 5 पर चेक करेंगे फर्स्ट टेबल में। आप साथ साथ क्रॉस चेक करिए, इट इज 1841। तो मैं यहां पर एक सेकंड में लिख देता हूं 1841। क्लियर है यहां तक? अब 0.26 की वैल्यू उसके आगे वाले नंबर पर यानी 5 के आगे जो नंबर है यानी फोर्थ डिजिट डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस पर चेक करेंगे यानी 6 पर चेक करेंगे सेकंड टेबल में। 0.26 की वैल्यू 6 पर चेक करनी है सेकंड टेबल में, 0.26 की वैल्यू 6 पर चेक करेंगे सेकंड टेबल में, इट इज 3। तो मैं यहां लिख देता हूं 3, जैसे लॉग टेबल में करा था हम लोगों ने, वहां पर भी ऐड करा था, यहां पर भी आपको इन नंबरों को ऐड करना। So we need to add up these two numbers. Add कर देते हैं, 3 + 1 = 4, 4, 8 and 1। तो ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर आ गया 1844। तो यहां पर हम लिखेंगे 1844। क्लियर है यहां तक? अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कोई भी, एंटी लॉग में जो आंसर आता है इट इज ऑलवेज इन साइंटिफिक नोटेशन, इट इज ऑलवेज इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू प्लेस डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो जो पहले डिजिट है उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है आंसर, या आपको खुद लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमारे पास नंबर आ गया 1844, 1 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया तो ये बन गया 1.844। तो ये तो हो गया डेसिमल के बाद के 4 प्लेस का इस्तेमाल। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर लिखा होगा तो उसका क्या करें। काम सिंपल है, डेसिमल से पहले जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे यहां पर 0 लिखा है, तो आप इनटू करके 10^10 में उस नंबर को भेज देंगे, इनटू 10^10, जो भी नंबर है यहां पर उसको 10^10 में भेज देंगे। नाउ वी नो दैट 10^0 और एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, तो ये 10^0 मान हो जाएगा और 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा फाइनल वुड बी 1.844 फाइनल आंसर। क्लियर आप लोगों को?
इसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है 55.9383। आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं अपनी मर्जी से। जो सिखाया उसको एक बार रिकॉल करो। मैंने आपको ये बोला था कि डेसिमल के बाद के एंटीलॉग में डेसिमल के बाद के दो नंबरों को आप मार्क करेंगे। डेसिमल के बाद के दो नंबर को हमने मार्क कर लिया, तो दीज नंबर्स आर 0.93। तो द नंबर इज 0.93। 0.93 मिलेगा आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, जहां हमारे पास 0.00 से लेकर 0.99 तक नंबर है। 0.93 की वैल्यू चेक करेंगे आगे वाले नंबर पर, यानी थर्ड डिजिट पर, थर्ड प्लेस पर 8 है हमारे पास। 0.93 की वैल्यू 8 पर चेक करेंगे फर्स्ट टेबल में। 0.93 की वैल्यू 8 पर चेक करेंगे फर्स्ट टेबल में, तो इट इज 8670। यहां लिख देता हूं मैं 8670। अब 0.93 की वैल्यू चेक करेंगे 3 पर सेकंड टेबल में, 3 पर सेकंड टेबल में, तो 0.93 की वैल्यू 3 पर चेक करेंगे सेकंड टेबल में। सो दिस इज 0.93, ये 3 है सेकंड टेबल में, तो वैल्यू इज 6। तो यहां पर लिख देंगे 6 और दोनों को कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद नंबर आएगा 6768। आगे 4 डिजिट का नंबर। अब ये जो 4 डिजिट्स का नंबर आया हमारे पास, इसको लिखेंगे हम लोग 8676। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, तो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लाने के लिए 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे। जो भी फर्स्ट डिजिट होगी उसके बाद डेसिमल लगाना है आपको खुद। अब आप प्रेडिक्ट करो खुद कि इंटू 10 की पावर में कौन सा नंबर आएगा। इंटू 10 करेंगे और पावर में जो नंबर आएगा वो डेसिमल से पहले वाला नंबर। यहां हमारे पास डेसिमल से पहले नंबर है 55, तो दिस 55 विल गो इन 10 रेज़ टू द पावर 55। तो जो 55 वो 10 की पावर में आ जाएगा। अगर 500 होता डेसिमल से पहले तो 500 को 10 की पावर में भेज देते। जो भी नंबर होगा डेसिमल से पहले इंटू करेंगे और उसे 10 की पावर में भेज देंगे, एंड इन दिस वे वी विल गेट द फाइनल आंसर। इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक चीज आपको और याद रखनी है कि लॉग पॉजिटिव नंबर का कैलकुलेट करने का तरीका यह है। यही अगर नंबर नेगेटिव हो तो एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम सीखेंगे एंटीलॉग नेगेटिव नंबर का कैसे लेते हैं। नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग लेना भी आसान है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां पर, एंटीलॉग ऑफ -3.7387। तो देखो एंटीलॉग लेने के लिए डेसिमल के बाद जो चार प्लेस हमें चाहिए होते हैं वो चाहिए हमें पॉजिटिव, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल के बाद जो चार प्लेस हैं वो नेगेटिव है। अब कोई सोचेगा अगर कैसे, तो उसका लॉजिक वैसे तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार मैं फिर भी बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको समझा देता हूं। -3.7387 कैन बी रिटन एज -3 -0.7387। इस नंबर को बाइफरकेट कर यानी दो पार्ट में डिवाइड कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, -3.07387। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो डेसिमल से बाद वाला जो नंबर है ये नेगेटिव, लेकिन एंटीलॉग के लिए ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का जो शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, मैथमेटिक्स के लॉजिक के अकॉर्डिंग बात अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर निकालने का तरीका समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर को पहले इन दो पार्ट में डिवाइड कर लो। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप पहले वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर में ऐड करिए -1 और सेकंड वाले नंबर के साइड में लिखिए आप +1, ठीक है। पहले वाले में क्या करेंगे -1 और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर आपने लिखा हुआ है उसमें क्या करेंगे +1 हमेशा। -3 और -1 बन जाएगा हमारे पास -4 और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 के बाद लगा दो 0.0000। नीचे वाला नंबर बड़ा नंबर है, ऊपर वाला नंबर छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 10-7 3 9-8 1 9-3 6 9-7 2 और यहां पर ठीक है 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो नाउ दिस नंबर इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव नंबर बन चुका है, तो अब हमारे पास जो डिजिट्स है वो है -4.2613।
Now this number is converted into minus 4.2613. इस नंबर को हमने पॉजिटिव नंबर में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसके बाद एंटीलॉग ले सकते हो। एंटीलॉग लेने का तरीका वही है बिल्कुल जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। एंटीलॉग लेने के लिए डेसिमल के बाद के दो नंबर हम मार्क कर लेंगे, जैसे 0.26 की वैल्यू चेक करेंगे आगे वाले नंबर पर, जो भी नंबर होगा आगे, यानी जैसे यहाँ पर 1 है तो 0.26 की वैल्यू 1 पर चेक करेंगे। बताओ कौन से टेबल पर, फर्स्ट या सेकंड? एग्जैक्टली फर्स्ट टेबल पर 0.26 की वैल्यू, फिर 3 पर चेक करेंगे यानी उससे आगे वाले नंबर पर, सेकंड टेबल पर। तो लेट्स चेक द वैल्यूज। 0.26 की वैल्यू 1 पर चेक करनी है फर्स्ट टेबल पर, इट इज 1824। आप जो एंटीलॉग टेबल अपने पास खोल के बैठे हैं, ठीक है, उनसे भी चेक करते रहिएगा, क्रॉस चेक करते रहिएगा। 0.26 की वैल्यू 1 पर 1824, मैं यहां लिख देता हूं 1824। 0.26 की वैल्यू 3 पर सेकंड टेबल पर चेक करनी है, 0.26 की वैल्यू 3 पर सेकंड टेबल पे 1 लिख दी, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर कर नंबर आएगा हमारे पास 0.281। तो द नंबर इज 1825। तो ये जो नंबर आएगा यहां पर लिख देंगे हम आंसर में 1825। ठीक है, जैसा भी मैंने सिखाया था आपको, एंटीलॉग का जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप 1 के बाद क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो 1 के बाद हम लगा देते हैं यहां पर डेसिमल। इसके बाद डेसिमल से पहले जो नंबर होगा हमारे पास, जैसे यहां पर माइनस 4 है तो इट विल गो, वो चला जाएगा 10^-4। 10 की पावर में उसे भेज देते हैं हम लोग, जो भी नंबर आएगा। इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है आपको? थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, उससे आप क्रॉस चेक करिए और फिर वैसे ही आप कई एग्जांपल अपने आप ही प्रैक्टिस करिए। अगला जो मैं नंबर ले रहा हूं समझाने के लिए, वो नंबर है -5.0614। ओके, तो अब सबसे पहले ये जो नेगेटिव नंबर है इसे क्या बनाना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको आप बाइफरकेट कर दीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जैसा छोटी क्लासेस से मैथमेटिक्स में करता आ रहे। इस नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं अलग से। वी कैन राइट दिस नंबर एज -5 -0.614 0.0614। ओके, सो दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू फॉर्म्स। अब इन दो फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, बाइफरकेट करने के बाद, हमें इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो उसका तरीका सिंपल है। पहले वाला पार्ट जो है, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट से हम क्या ऐड करेंगे? -1। और सेकंड वाले पार्ट में क्या ऐड करेंगे? +1। ओके, यहां पर हम 1 के बाद डेसिमल के बाद 0000 लगा देते हैं ताकि आप आसानी से माइनस कर सकें। -5 और -1 गिव्स -6। और इन दोनों नंबर को आपस में माइनस कर लीजिए, बड़ा नंबर नीचे है छोटा नंबर ऊपर है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 10-4 6, 9-1 is 8, 9-6 is 3, and here we will get 9. So the number is -6.9386. Okay, so the number will be -6.9386. So ye number kaise nikala sakoge yaar? बस नेगेटिव नंबर में इतना आपको काम एक्स्ट्रा करना है। इसके बाद का काम बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपको पहले सिखाया। डेसिमल के बाद के दो नंबर मार्क कर लेंगे 0.93। 0.93 की वैल्यू 8 पर चेक करेंगे फर्स्ट टेबल में। 0.93 की वैल्यू 8 पर चेक करेंगे फर्स्ट टेबल में, इट इज 8670। मैं यहां आपका लिख लेता हूं 8670। 0.93 की वैल्यू आगे वाले नंबर पर चेक करेंगे, 6 पर चेक करेंगे सेकंड टेबल पर। 0.93 की वैल्यू 6 पर सेकंड टेबल में इस 12, तो यहां लिख देते हैं 12 और इन दोनों को कर देंगे ऐड। ऐड करके जो नंबर आएगा वह है 2868। तो नंबर इज 8682।
इस 8682 को हम लिख देते हैं यहाँ पर 8682। डेसिमल लगाएंगे फर्स्ट नंबर के बाद। एंटीलॉग में आंसर साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए, फर्स्ट जो भी नंबर होगा उसके बाद डेसिमल आपको खुद लगाना है, ठीक है, लगा दिया। फिर इसके बाद आप खुद एनालाइज करिए कि 10 की पावर में क्या आएगा। डेसिमल से पहला वाला, डेसिमल से पहले हमारे पास माइनस सिक्स आए तो इंटू करेंगे और ये हो जाएगा 10^-6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकाल सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद।